बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गुलफिशा गर्ल्स हाई स्कूल ऑनलाइन लेक्चर सिस्टम। टुडे आवर सब्जेक्ट इज साइंस फॉर क्लास 3। वी विल लर्न यूनिट नंबर 3, सॉइल। व्हाट इज सॉइल? सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। टुडे इन दिस लेसन वी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, what does soil contains and types of soil. Importance of soil. What does its importance for us? Let's see. Soil is necessary for the growth of plants. The plants grow in the soil. Plants take water and minerals from the soil with their roots. पौधों की नशोनुमा के लिए मिट्टी बहुत जरूरी है। पौधे मिट्टी से पानी और मिनरल्स हासिल करते हैं। मिट्टी पौधे की जड़ को उसकी जगह पर फिक्स रखने में मदद देती है। नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। हाउ इज इट फॉर्म? लेट्स सी। सॉइल इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ सन, विंड एंड रेन। लॉन्ग एगो अर्थ वॉज कवर्ड विद ह्यूज रॉक्स। दिस रॉक्स ब्रोक अप इनटू स्मॉलर पीसेस। दिस कंटिन्यूड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। These small pieces broke down further into smaller pieces. Finally, these tiny particles could not break further and formed soil. बहुत पहले ज़मीन पर बड़ी चट्टानें थीं जो बारिश, हवा और सूरज की गर्मी की वजह से टूटती चली गईं। ये अमल लाखों साल तक चलता रहा। आखिरकार ये छोटे टुकड़े मज़ीद टूट ना सके और यूँ मिट्टी तश्कील में आई। Now we discuss our next topic. What does soil contains? Soil contains air, water, minerals and manure. Soil contains water. All types of soil contain water. Plants absorb this water from the soil. Let us see this through an activity. Take some soil in a container. And cover with a lid. Heat the container. Open the lid a little later. You will see tiny drops of water on the lid. This shows that soil has moisture in it. Ek bartan mein mitti lekar use dhaap dein aur bartan ko garam karein. थोड़ी देर बाद ढक्कन उठाएं तो उस पर पानी के कतरे होंगे जो ये जाहिर करते हैं कि मिट्टी में पानी मौजूद है। सॉइल कंटेन्स एयर। हाउ वी कैन सी एयर प्रेजेंट इन द सॉइल? दिस कैन बी सीन थ्रू दिस एक्टिविटी। कलेक्ट सम सॉइल इन अ ग्लास जार, पोर वाटर ओवर इट एंड यू विल सी एयर बबल्स। दिस शोज That soil contains air. एक जार में मिट्टी लें और उसमें पानी डाल दें। थोड़ी देर बाद आप इस जार में एयर बबल्स देखेंगे जिससे जाहिर होता है कि मिट्टी में हवा भी मौजूद है। Apart from air and water, soil has contains minerals. Minerals are materials that make the soil fertile. हवा और पानी के अलावा मिट्टी में मिनरल्स भी मौजूद होते हैं जो ज़मीन को जरखेज रखते हैं। सॉइल कैन बी मेड रिच बाय एडिंग मैन्योर। मैन्योर इज़ द वेस्ट गॉट फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट इज मिक्सड विद द सॉइल। इट हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो वेल। मैन्योर पौधों जानवरों की वेस्ट से हासिल होता है और ये पौधों को बढ़ने में मदद देता है। Now let's see what are different types of soil. There are three main types of soil: sandy soil, clay soil and loamy soil. First we discuss sandy soil. The particles of sandy soil are big in size. It is a light and dry soil. It cannot hold much water. इस मिट्टी के जो ज़रात हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं।
ये मिट्टी हल्की और खुश्क होती है। क्ले सॉइल, क्ले पार्टिकल्स आर वेरी फाइन इन नेचर, दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर, इट फील्स स्टिकी व्हेन टच्ड, क्ले इज मोस्टली यूज फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टॉयज। इस मिट्टी में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और ये छूने पे चिपकने वाली होती है। इस मिट्टी से बर्तन और खिलौने बनाए जाते हैं। लूमी सॉइल, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड क्ले सॉइल, इट कैन होल्ड बोथ एयर एंड वाटर, इट हैज़ अ लॉट्स ऑफ ह्यूमस। लूमी इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रो प्लांट्स टू ग्रो। ये मिट्टी सैंडी और क्ले सॉइल का मिक्सचर है, इसमें पानी और हवा दोनों मौजूद होती हैं और ये मिट्टी पौधों की बढ़ोतरी के लिए बहुत अच्छी है। नाउ वी लर्न क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सॉइल? आंसर, सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ अर्थ। मिट्टी किसे कहती हैं? ज़मीन की सबसे ऊपर वाली तह को मिट्टी कहती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड? आंसर, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ सन, विंड एंड रेन। मिट्टी कैसे बनी? मिट्टी सूरज, हवा और बारिश के अमल की वजह से बनी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज सॉइल कंटेन? आंसर, सॉइल कंटेन्स वाटर, एयर एंड मिनरल्स। मिट्टी में कौन सी चीज़ें मौजूद हैं? मिट्टी में हवा, पानी और मिनरल्स मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रोल द अर्थ वर्म्स प्ले टू मेक सॉइल मोर फर्टाइल? आंसर इज अर्थ वर्म turns and loosens soil, thus increases the air and water content in the soil. अर्थवर्म मिट्टी में मौजूद होते हैं और ये मिट्टी को ढीला करती हैं, जिसकी वजह से मिट्टी में हवा और पानी की मिकदार बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉइल। आंसर, देर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लूमी सॉइल। स्टूडेंट्स, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। प्रेस बेल आइकन, लाइक, कमेंट एंड शेयर।